एक्सीडेंट पीछे से मारा है या आगे से मारा है ये तो मुझे नहीं मालूम, और उन चारों लोगों की मौत हो गई। नहीं मैं नहीं चला रहा था, ये आरोप जो लगाया है ये गलत लगाया गया है जी। डॉक्टर ने ये कहा है कि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो पीछे बैठा हुआ था और लाइसेंस आपका लगा हुआ है। डॉक्टर डॉक्टर साहब जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर कोई और हो इसका तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है चलाता हो, लेकिन ये जो कह रहे हैं शाहक चला रहा था ये सरासर झूठ बोल रहे हैं जी। आपका लाइसेंस कोर्ट में जमा है, लाइसेंस आपका कैसे पहुंचा? लाइसेंस मेरा ये ऐसे पहुंचा, यहाँ पे एक इम्तियाज़ नाम का व्यक्ति रहता था जिसका नाम, मतलब जिस मकान में वो रहता था उसी मकान में मैं रहता था, वो ऊपर रहता था मैं नीचे रहता था जी। वो लगभग 14 महीने से यहाँ पे रह रहा है, मैं 5 महीने से लगभग उस मकान में रहता हूँ जी। तो उसने एक दिन मुझसे लाइसेंस का फ़ोटो स्टेट कॉपी मांगा, बोला जरा मुझे सिम कार्ड लेना है अपने लाइसेंस का या किसी किसी भी उसका आईडी का फ़ोटो स्टेट दे दो। तो मैं लाइसेंस रखा हुआ था उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी कलर वाली, मैंने उठा के दे दिया, मैंने ये आप ले लो और इसका जीरोक्स करा के ये मुझे वापस कर देना, कलर फोटो स्टेट कॉपी मैंने उन्हें दिया था। अब वो उसे दे के मैं चला गया गाड़ी लेके। अब मैं वापस जब आया तो मुझे ध्यान नहीं रहा, वो ध्यान नहीं रहा, ऐसा ध्यान नहीं रहा अभी तक मैंने नहीं लिया, 2 महीने हो गए उन्हीं के पास था वो। क्या लगता है उसी आईडी का इस्तेमाल किया गया है आपके खिलाफ? हाँ उसी आईडी का इस्तेमाल किया गया है मेरे खिलाफ, इम्तियाज सैयद इम्तियाज कादरी ने ये किया है सारा। अब आप क्या करेंगे इस केस में? मैं सैयद इम्तियाज कादरी के खिलाफ चैलेंज करूंगा और डॉक्टर के खिलाफ। गाजियाबाद जाएंगे आप? गाजियाबाद में आज इंशाल्लाह पहुंचूंगा लेके। जी जी में काफी उथल पुथल रही, आपके घर वाले भी काफी परेशान रहे, क्या दिक्कतें आई इस बीच में इस मामले में? इस मामले की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ मैम। मैं यहाँ से जब 1 तारीख को निकल गया था शाम के लिए, तो 2 तारीख को जब मुझे मालूम हुआ इसका इसके बारे में, 2 तारीख को ये कोई पत्रकार साहिबा गई थी घर पे, तो उन्हें मुझे बताया, तो फिर मैं उस समय बंगाल पहुँच चुका था, तो फिर भी मैं इस चीज़ को सही से समझ नहीं पाया ठीक तरीके से। फिर दूसरे दिन को जब मेरे पास काफ़ी मीडिया वालों के फ़ोन पहुँचे, तो उस समय मैं वहाँ पे था असम बॉर्डर पे, गुवाहाटी के लिए जा रहा था, असम बॉर्डर पे था, असम बॉर्डर से मैं तुरंत वापस हो गया। कैसे वापस? जब घर पे घर से मेरी अम्मी का, मेरे अब्बा का, मेरे परिवार वालों के सारे फ़ोन पहुँच रहे थे और मीडिया वालों के फ़ोन पहुँच रहे थे, अम्मी रो रही थी, पुलिस भी गई थी, पुलिस भी मेरे अब्बा को पुलिस ने परेशान किया है, उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैं फिर वापस आ गया। और कितनी परेशानी से आया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी से आया हूँ, कहीं पे 24 घंटे खड़ा रहा हूँ ट्रेन के अंदर, तब मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ बरेली तक। आपने कभी ऑडी कार चलाई है? कभी मैंने ऑडी कार देखी तक नहीं, चलाना तो बहुत बड़ी बात है। आप इन डॉक्टर को जानते हैं, कहते हैं बरेली आते थे वो यार? कभी मैंने इस डॉक्टर साहब को ही नहीं देखा है और ना ही इन डॉक्टर साहब ने मुझे देखा होगा कभी पूरी लैब में अपने। अब आप कानूनी कार्रवाई करेंगे इन दोनों? इनके दोनों खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ज़रूरी होगी।